हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 25 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सो आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए फिर हम क्लास की शुरुआत करते हैं फटाफट से। सो आज इज क्रिसमस, सो आई विश यू गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस एज वी सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आप इसी तरीके से खुश रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपकी फैमिली खुश रहे, और जो भी ड्रीम्स आपने पूरे देखे हैं, आई विश कि वो आप सभी के ड्रीम्स कंप्लीट हो जाए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे एक और मोटिवेशन कोड के साथ। आज देखिए क्या है। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर एब्सोल्युटली यूनिक जस्ट लाइक एवरीवन एल्स। देखिए, हमेशा इस चीज़ को याद रखें कि आप यूनिक हो। स्टॉप कंपैरिजन टू अदर्स। कभी भी अपने आप को कंपेयर ना करें किसी और से कि यार मुझ में टैलेंट नहीं है या मैं ये काम नहीं कर सकता, दूसरा स्थान दूसरा जो पर्सन है वो कर सकता है, कर सकती है। तो ऐसा कभी ना सोचे। हर किसी में अपना एक यूनिक टैलेंट होता है। वो चीज़ आपको खुद से एक तरीके से परखनी पड़ेगी कि हाँ मेरे पास ये टैलेंट है, मैं कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरीके से अगर आप हमेशा चीज़ों को रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट रहेंगी। और अगर आप कंपेयर ही करते रहोगे दूसरे के साथ में तो हमेशा आप देखना डिस्करेज, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना वो नहीं होगा। तो कभी भी ऐसा ना करें। ऑलवेज रिमेंबर कि आप क्या हैं, यूनिक हैं बिल्कुल। चलिए फिर ऐसी इसी के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखिए कौन सा डे हमें आज पढ़ना है, नेशनल कंज्यूमर डे। तो फ्रेंड्स, नेशनल कंज्यूमर डे जो आता है वो 24th ऑफ दिसंबर को आता है। बिल्कुल, अब बात करते हैं कि ये क्यों मनाया गया था। देखिए, तो इसी दिन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो इनेक्ट हुआ था। तो इसी दिन आपका क्या होता है, नेशनल कंज्यूमर डे होता है। इसके अलावा देखिए, ये जो दिन है ये उपभोक्ता आंदोलन जो कंज्यूमर मूवमेंट हुआ था उसको, उसकी इम्पॉर्टेंस को भी हाईलाइट करता है। एंड इसके अलावा कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं, जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो दिन है वो मनाया जाता है। अब देखिए, कन्फ्यूज़न यहाँ पर ये हो सकता है, आप वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के साथ कन्फ्यूज़ हो सकते हो, क्योंकि एक होता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, क्योंकि आपका नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। तो देखिए, नेशनल वाला तो आपका हो गया 24th ऑफ दिसंबर को। वहीं बात करते हैं जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है वो आपका आता है 15 मार्च को। दोनों का जो पर्पस है मनाने का वो बिल्कुल सेम है, बट डिफरेंट डेट्स पे दोनों जो दिवस हैं वो मनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज कंट्रीब्यूटेड $10 million टू सपोर्ट यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स ऑन COVID-19। देखिए, FAO के जो प्रयास हैं उनका समर्थन करने के लिए कौन से देश ने अभी 10 मिलियन का योगदान दिया है, तो वो कंट्री कौन सी है, वो कंट्री है आपकी USA। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने देखिए COVID-19 के ऊपर काफ़ी सारे वो अपने एफर्ट्स कर रही हैं। इसके अलावा टू हेल्प दी अदर चैलेंजेस कि जो दैट थ्रेटन ह्यूमंस की जो आपके और भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि थ्रेटन ह्यूमन हो गया, एनिमल एंड एनवायरनमेंट की हेल्थ हो गई, इंक्लूडिंग अगर मान लीजिए कोई भी फ्यूचर पेंडेमिक आ जाता है तो उन सभी को चीज़ को काउंटर करने के लिए, वहाँ पे हेल्प करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने $10 million का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर बात आती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना हुई 1945 में। ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि जो इंटरनेशनल जैसे हंगर हो गया, भूख मतलब भुखमरी है, इसको डिफीट करने के लिए इंटरनेशनली एफर्ट्स अपने करती है। इस तरीके की पूरी संस्था है। और FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 2020 का जो नोबल पीस प्राइज़ था वो जीता था, ये ध्यान रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, USA से अभी आपको हाल फिलहाल का न्यूज़ ध्यान होगी कि USA ने जो विंटर ओलंपिक्स होंगे बीजिंग में, वहाँ से क्या कर लिया है, बॉयकॉट कर लिया है, ये ध्यान रखिएगा। USA के द्वारा ही किया गया। एक और बात ध्यान रखिएगा कि USA, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम, इन तीनों कंट्रीज़ ने एक MOU साइन किया है न्यूक्लियर सबमरीन अलाइंस के लिए। पूछ सकते हैं तीनों कंट्रीज़ में से आप लोगों से किसी भी कंट्री का नाम पूछ लेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि USA जो है
अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ और ये इसका बना 101वां मेंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। यूएस के जो लॉ मेकर हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक बिल को टू डिक्लेयर दिवाली एज अ नेशनल हॉलीडे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ न्यूज़ हैं जो हमें ध्यान रखनी है यूएसए से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना टिल विच मंथ, कौन से मंथ तक इस योजना को बढ़ा दिया गया है। तो ये योजना बढ़ गई है मार्च 2022 तक। इस योजना के तहत देखिए क्या किया जाता है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस योजना के तहत 5 किलोग्राम जो आपके खाद्यान्न हैं, फूड ग्रेन्स हैं, पर पर्सन पर मंथ, हर एक मंथ में हर एक पर्सन को फ्री में 5 किलोग्राम का जो खाद्यान्न है वो प्रोवाइड कराया जाता है इस योजना के तहत, जिसको मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड चलो मोबाइल एप्लीकेशन एंड चलो स्मार्ट कार्ड्स। तो ये जो एप्लीकेशन, ये जो कार्ड्स हैं, इसको किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि महाराष्ट्र के जो टूरिज्म एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं जिनका नाम है आदित्य ठाकरे, इनके द्वारा इस एप्लीकेशन, इस कार्ड को लॉन्च किया गया, तो इनका नाम आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। ये जो देखिए चलो मोबाइल एप्लीकेशन है, क्या काम करेगा, ये अलाउ करेगा पैसेंजर्स को कि वो बस टिकट्स को ऑनलाइन बाय कर सकते हैं और जो भी बस के पासेस हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू एन ई वॉलेट। तो एक तरीके से डिजिटलाइजेशन की तरफ बात हो रही है देखिए यहाँ पे, और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इस मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में आपको कुछ न्यूज़ बता देती हूँ कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने, अभी ध्यान रखेंगे, कि सलमान खान को अपना कोविड एम्बेसडर डिक्लेयर किया। और महाराष्ट्र देखिए पहला स्टेट बना है जिसने खुद का वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो कि 2021-30 इसके लिए बनाया है, तो महाराष्ट्र ऐसा करने वाला पहला स्टेट बना है, ये ध्यान रखिएगा। हाल फिलहाल में देखिए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा मिशन कवच कुंडल जो है वो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। अच्छा, आपको याद होगा कि महाराष्ट्र का एक अभी हाल ही में प्रोडक्ट है जिसको GI Tag दिया गया, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, उस प्रोडक्ट का नाम है वाइट ऑनियन। तो ये आपको ध्यान रखनी है महाराष्ट्र से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड 6,000 स्पेशल कोविड असिस्टेंट टू न्यूज़पेपर हॉकर्स। तो कौन से स्टेट ने, भाई जो न्यूज़पेपर समाचार पत्र जो विक्रेता हैं उनको 6,000 रुपये की विशेष कोविड सहायता वितरित की है, तो ये स्टेट हो जाएगी, ये स्टेट है उड़ीसा। देखिए यहाँ पे कि जो रजिस्टर्ड हॉकर्स हैं उनको डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ये जो अमाउंट है वो दिया जाएगा, इसके अलावा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी उनको मिलेगा जो कि है 2,00,000 रुपये का। मान लीजिए किस केस में उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे उनको 2,00,000 रुपीज़ का जो एक्सीडेंटल कवर है, इंश्योरेंस कवर है, वो दिया जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट करेगी उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा। बात करते हैं फ्रेंड्स उड़ीसा स्टेट की, तो ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की उड़िया। यहाँ के कुछ रीजनल फेस्टिवल हैं देखिए, जैसे दुर्गा पूजा है, सरस्वती पूजा, नुआखाई, सिताला सस्ती एंड रथ यात्रा। मीजर डांसेस में आप ये पूछ सकते हैं, ओडिसी छऊ डांस पूछ सकते हैं एंड डांडा नाटा पूछ सकते हैं। कुछ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करें तो जैसे कॉटपर्ड हैंडलूम फैब्रिक्स है, उड़ीसा इकात हो गया, कोनांग स्टोन कार्विंग एंड पट्टा चित्र, पिपली एप्लिक वर्क। तो ये सभी कुछ GI Tag हैं जो आपके उड़ीसा स्टेट से हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जिन्होंने सेट किया है एक स्टेट जनरल कैटेगरी कमीशन को जो कि अनरिजर्व्ड क्लासेस है उनके लिए, जो अनारक्षित वर्ग है उनके लिए एक आयोग की स्थापना करी है पंजाब की सरकार ने, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पंजाब। ये जो कमीशन हैगा देखिए क्या करेगा, ये अलग अलग जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, के अलावा जैसे कोई भी स्कीम है वो इम्प्लीमेंट होती है, कोई होता है देखिए जैसे जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए है ना, तो इसके इस चीज़ से जो अनरिजर्व्ड क्लासेस होती हैं उनके हितों की रक्षा करेगा, उनके सेफ गार्ड के लिए इस कमीशन की स्थापना करी है पंजाब की सरकार ने।
फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं हम पंजाब स्टेट की। तो देखिए पंजाब स्टेट के कुछ रीजनल फेस्टिवल हैं जैसे लोहड़ी, होला मोहल्ला, बैसाखी, गुरु नानक जयंती एंड राखी वैसाखी। इसके अलावा पंजाब का स्टेट एनिमल है ब्लैक बक और स्टेट बर्ड है बाज, स्टेट फ्लावर है लीलियम कैंडिडम। यहाँ की रामसर साइट्स में ध्यान रखेंगे हरी के वेटलैंड है, कंजिली वेटलैंड है एंड रोपर वेटलैंड है। अच्छा पंजाब से कुछ स्टेट की न्यूज़ में आपको भी फिलहाल की बताती हूँ कि पंजाब पहला स्टेट बना था जिसने टिश्यू कल्चर वेस्ट सीड पोटैटो रूल्स को बनाया था, आपके लिए इम्प्लीमेंट किया था। तो ऐसा करने वाला जो है वो पंजाब पहला स्टेट बना था। अभी आपको याद होगा कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर जी ने जो स्टेट फेस्टिवल का टैग है वो किसे दिया था, जगन्नाथ रथ यात्रा को दिया था, ये ध्यान रखिएगा। एंड पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चनी जी ने मेरा घर मेरा नाम स्कीम को भी यहाँ पे लॉन्च किया था। एक और स्कीम है जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनकी मदद करने के लिए, इसी नाम से ऐसी कुछ इसी ना जैसा नाम है, मेरा काम मेरा मान, ये स्कीम भी शुरू करी थी पंजाब की सरकार के द्वारा। और देख लेते हैं कुछ न्यूज़। अच्छा अभी मैंने आपको बताया था कुछ टर्न पहले ही फ्री स्मार्टफोन योजना को कौन सी गवर्नमेंट ने शुरू किया, करेक्ट आंसर इज यूपी, यूपी की गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया। और कौन सा स्टेट है जिसने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, बिल्कुल सही उत्तराखंड स्टेट है। नेक्स्ट देखिए तमिल थाई वजाथू, ये एक स्टेट सॉन्ग है जिसको अनाउंस किया है तमिलनाडु की सरकार ने। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि जो खेल नर्सरी स्कीम है उसको लॉन्च किया है हरियाणा की गवर्नमेंट ने, ये ध्यान रखिएगा। और एक स्कीम का नाम है जिसको बोला गया है सहाय स्कीम, ये शुरू किसने करी, झारखंड की सरकार ने। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला है देखिए, टू सेंड मनी इन रियल टाइम टू अ पेटीएम वॉलेट यूज़र इन इंडिया, पेटीएम पेमेंट बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद विच कंपनी। देखिए रियल टाइम में पैसा भेजने के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक ने किस कंपनी के साथ साझेदारी करी है, तो जो कंपनी का नाम है वो है मनीग्राम कंपनी, इसके साथ जो है साझेदारी करी है। अब इस पार्टनरशिप का उद्देश्य यही है देखिए, टू इनेबल मनीग्राम के जो कस्टमर्स हैं तो उनको इनेबल करना ग्लोबली कि वो सेंड कर सके मनी को इन अ रियल टाइम, कि रियल टाइम में वो पैसा भेज सके टू अ पेटीएम वॉलेट यूज़र्स। तो भारत में पेटीएम वॉलेट उपयोगकर्ता को वो रियल टाइम में पैसा भेज सकें, तो मनीग्राम के कस्टमर्स को इस चीज़ के लिए इनेबल करने के उद्देश्य से पार्टनरशिप करी गई है। इस पार्टनरशिप के साथ मनीग्राम के यूज़र्स अब्रॉड के नाउ कन्वीनियंटली ट्रांसफ़र मनी टू फुल KYC पेटीएम वॉलेट यूज़र इन इंडिया। देखिए जो मनीग्राम के उपयोगकर्ता है ना जो विदेशों में है ना, वो भारत में जो पेटीएम वॉलेट है वहाँ पे आसानी से जो अपना मनी है वो ट्रांसफ़र कर सकती हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक का ध्यान रखिएगा, अभी इसको शेड्यूल बैंक का स्टेटस दिया गया था RBI के द्वारा। इसके चेयरमैन हैं विजय शेखर शर्मा और इसके MD एंड CEO कौन है, सतीश कुमार गुप्ता। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर है नोएडा में, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, हु हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। देखिए अभी अपने रिटायरमेंट की घोषणा किसने करी है, तो हरभजन सिंह के द्वारा अभी अपने रिटायरमेंट की घोषणा करी गई है। और हरभजन सिंह की बात करते हैं तो ये पहले इंडियन बॉलर थे जिन्होंने क्लेम किया था टेस्ट हैट्रिक, यानी लगातार 3 विकेट्स लेना टेस्ट में, इन्होंने ये पहले बॉलर थे जिन्होंने ऐसा काम किया था। और अनिल कुंबले, कपिल देव और आर अश्विन के बाद ये चौथे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले कौन हैं, बॉलर हैं, ध्यान रखिएगा। इनके टोटल विकेट्स कितने हैं, 417। तो इन्होंने अभी अपने रिटायरमेंट की घोषणा करी है सभी फॉर्म से जितने भी क्रिकेट्स की फॉर्म होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन है देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज एक्सेप्टेड वाइल्ड कार्ड एंट्री टू ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। मैं जो ऑस्ट्रेलियन ओपन अब 2022 में होगा उसके लिए वाइल्ड कार्ड जो एंट्री है इसको स्वीकार किसने किया है, आंसर इज एंडी म्यूरे। तो एंडी मोरे ने एक्सेप्ट कर लिया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछ सकते हैं। एंडी मोरे की रैंकिंग की बात करें तो नंबर 134 इनकी रैंकिंग है ATP रैंकिंग्स में। इनके पास 3 ग्रैंड स्लैम टाइटल है, टू हिज नेम विनिंग विंबलडन इन्होंने 2 बार जीता है 2013-16 में, और इसके अलावा जो US ओपन है वो इन्होंने जीता है 2016 में। तो देखिए जो ग्रैंड स्लैम टाइटल्स होते हैं वो एक साल में 4 होते हैं,
तो ये आप लोगों से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर हम ATP रैंकिंग्स की बात करें, अभी दिसंबर तक जो रैंकिंग चल रही है उस पे नंबर 1 पे है नोवाक जोकोविच, नंबर 2 पे है डेनियल मेडवेडेव, 3rd पर है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, 4th पर है स्टेफेनोस तित्सिपास एंड 5th पे है एंड्रे रुबलेव। तो आप लोग टॉप फर्स्ट तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखें कि ATP रैंकिंग में इस टाइम प्रेजेंट में नंबर 1 पे कौन से प्लेयर चल रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, देखिए, हाउ मेनी इंडियन रेफरी जिनको सिलेक्ट किया गया इन द फीफाज इंटरनेशनल लिस्ट फॉर 2022। तो कितने इंडियन रेफरी इसमें है, 18 इंडियन रेफरीज को चुना गया। अब इन रेफरीज में से बात करते हैं तो 4 हैं वुमेन्स जिनको चुना गया है और 14 जो है वो इनमें मेंस हैं। 4 वुमेन में कौन सी है, देखिए वुमेन रेफरी में है रंजीता देवी टेकचाम एंड कनिका परमान, और 2 असिस्टेंट रेफरी हैं उवेना फर्नांडिस एंड रियोलांग धार। इसी तरीके से मैन रेफरीज़ के नेम यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, 14 है पूरे के पूरे। और जो फीफा है, देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ज्यूरिख में है। तो आप लोगों से ना थोड़ा सा ऐसे पूछ सकते हैं कि कितने मेंस हैं या कितनी वुमेंस हैं, या टोटल पूछ सकते हैं। तो 2-3 तरीके से क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसके बाद क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वॉज दी 2021 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है ये हुई। तो ये जो चैंपियनशिप हुई है इसका आयोजन किया कहाँ पे किया गया था, स्पेन में इसका आयोजन किया गया। इसी चैंपियनशिप में अगर हम मेन सिंगल की बात करते हैं तो वो जीता है सिंगापुर के लो कियान यू, और इसमें रनर अप रहे इंडिया के श्रीकांत किदम्बी। वुमेन सिंगल की बात करते हैं तो जापान की अकेन यामागुची ने जीता, और रनर अप इसमें रही चाइना की ताई जू यिंग। मेंस डबल में आप देख सकते हैं यहाँ पे विनर का नाम भी है, रनर है, ऐसे ही वुमेन डबल्स का भी आप लोग यहाँ पे ज़रूर पढ़ें। तो ये चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई, इसके टाइटल्स किसने जीते हैं, ये सभी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी टीम ने जीता है सैफ अंडर 19 वुमेन्स चैम्पियनशिप। ये चैम्पियनशिप देखिए किसने जीती है, ये चैम्पियनशिप बांग्लादेश ने जीती है, और इस चैम्पियनशिप में बांग्लादेश ने डिफीट किया है इंडिया को। सो इंडिया को डिफीट करके बांग्लादेश के द्वारा ये चैम्पियनशिप जीती गई। और इसी में बात करते हैं, देखिए बांग्लादेश की एक प्लेयर है शाहिदा अख्तर रिपा, इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्स करे इस टूर्नामेंट में, तो इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड भी दिया गया। ओके, क्लियर हो गया बिल्कुल। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चन, और फटाफट से रिवीजन करते हैं। रिवीजन में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एशियाई जो पुरुष हॉकी चैंपियनशिप है इसमें किस देश ने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो भाई इंडिया ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके बाद है, हु हैज़ वॉन द सीनियर मेन्स नेशनल बिलियर्ड चैंपियनशिप, ये जीती है पंकज अडवाणी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने अदिति अशोक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नेक्स्ट इज़, हु रिलीज्ड अ बुक स्पाइसेस स्टैटिस्टिक एट अ ग्लांस 2021, ये बुक रिलीज़ करी है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। बैचलर डेट, ये बुक किसके द्वारा लिखी है, तुषार कपूर की ये पहली बुक है। इसके बाद है, राजीव चंद्रशेखर ने लॉन्च किया है न्यू इंटरनेट एक्सचेंज नोट्स इन विच स्टेट, तो स्टेट का नाम हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काउंसिल ने अप्रूव किया है गोइंग ग्लोबल पार्टनरशिप एक्सप्लोरेटरी ग्रांट, इनमें से किस यूनिवर्सिटी के लिए, आंसर इज डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला। नेक्स्ट इज, COVID-19 के वायरस को मारने के लिए किस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक एंटी COVID-19 स्टेनलेस स्टील को डेवलप किया है, तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। इसके बाद है, इंडिया का कौन सा प्लेस है डोप वायलेटर्स कंट्री में, तो इंडिया इसमें तीसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर ध्यान रखिएगा रशिया है, और 2nd नंबर पर है इटली, और इंडिया जो है वो इसमें 3rd नंबर पर। By adding 33 unicorns in a single year, इंडिया ने कौन सी कंट्री को डिस्प्लेस करके इंडिया पहुंच गया है तीसरे नंबर पर, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, और USA इसमें पहले नंबर पर है, और चाइना ने 2nd प्लेस हासिल किया। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चंस, एंड कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि न्यूज़पेपर इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए, आंसर इज मोहित जैन। पहले इंडियन मेल शटलर कौन है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में, तो किदम्बी श्रीकांत उनका नेम है, अभी हमने पढ़ा जो चैंपियनशिप स्पेन में हुई। तो आज के कमेंट है रामपाल चौधरी एंड नेहा जायसवाल, वेरी गुड स्टूडेंट्स। आज देखिए क्वेश्चन है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फर्स्ट वुमेन CEO कौन बनी। 2nd क्वेश्चन,
काजू से जो बनी एक ड्रिंक है फैनी फैनी जिसको नाम बोला गया है, ये किस राज्य की है और इसको जीआई टैग दिया गया। तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।